हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तमाम इस्लामाबाद धरना खत्म कराने के लिए सुबह को ऑपरेशन का इम्कान। फैजाबाद में चारों तरफ से शेलिंग और वाटर कैनन इस्तेमाल करने का फैसला। वजारत दाखिला ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पकड़ धकड़ के लिए टीमें तश्कील। 8,500 एहलकार अलर्ट। पार्लियामेंट में मामला खुश असलूबी से हल। अब धरने का जवाब नहीं, चुरका ऐसी जगह मुंतकिल हो जाए जहां शहरियों को तकलीफ ना हो। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल की अपील। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। एमएजिना रोड पर बसों की रेस, 4 साल बच्ची जां बहक। बेहिस पुलिस अफसरों ने रोकना भी गवारा नहीं किया। मुजाहिरीन ने 2 गाड़ियां जला दी, मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार। बाइक को निकाला गया तो वो बाइक बस के पिछले हिस्से से निकली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी बेटी का क्या हाल हुआ होगा। किसी किसी बेटी के साथ ऐसा कभी ना हो। मेरी सकीना तो जिगर का टुकड़ा थी मेरी, सबसे हमारे घर में सबसे पहला बच्चा हमारा है। सकीना की मौत ने सीना छलनी कर दिया। कराची में जांबहक बच्ची के वर्षा की आंखें नम, दिल में गम। ट्रैफिक पुलिस अफसरान हादसे का जिम्मेदार, बस ड्राइवर के साथ वालिद को भी करार देने लगे। शायद बस की स्पीड कुछ ज्यादा थी, लेन को वो ऑनर नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो बच्ची फौत हुई है उसके वालिद जो बाइक पे थे रिपोर्टेडली वो भी विदाउट हेलमेट थे। अब गलतियां तो दोनों तरफ से हुई हैं। कराची में इस साल 203 ट्रैफिक हादसात, 185 शहरी जां बहक, 277 जख्मी। ट्रेलर से 30, वाटर टैंकर से 26, डंपर से 14 और कोचेस से 13 हलाकतें। पेशावर में खुदकुश हमला, एडिशनल आईजी अशरफ नूर शहीद। नमाज जनाजा में आला हुकाम की शिरकत, हौसले पस्त नहीं होंगे। आर्मी चीफ का खिराज अकीदत। 24 लाख बच्चा पाकिस्तान में मदरसों में पढ़ता है, ये हमारे बच्चे हैं। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि हम इनकी मदद करेंगे ऊपर आने के लिए। मदारिस के बच्चों की मदद का ऐलान। करप्शन नवाज शरीफ का नजरिया करार। जरदारी पर भी इख्तदार में आकर दौलत बनाने का इल्जाम। वजीर आजम के अंदर करप्ट वजीर खजाना को हटाने की हिम्मत नहीं। इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत से रेकन्सिलिएशन या चार्टर डेमोक्रेसी पर बात करना चाहते हैं तो पहले आप अपना कॉन्फ्रंटेशनल डैमेजिंग स्टांस जो है जो जमहूरियत को खतरा में डाल रहा है उसको रोक। मुज़ाकरात के लिए जमहूरियत दुश्मन रवैया तब्दील करने का मुतालबा। हमेशा मफादात की सियासत करने वाले नवाज शरीफ खतरनाक गेम खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। एक ही दिन एक ही मकाम पर जलसा करने का ऐलान। हैदराबाद इंतजामिया के लिए बन गया इम्तिहान। एमक्यूएम और पीएसपी को बागे मुस्तफा ग्राउंड में 8 दिसंबर को इज्तमा से रोक दिया। मुतबादिल जगह तलाश करने की हिदायत। पीटीआई से राब्तों का इल्जाम। 4 सदस्य से एमपीए फजल शुकूर को जेयूआई से निकालने का ऐलान। 20 सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रिजू करने का फैसला। पार्लियामानी साल के 6 माह मुकम्मल। जमहूरियत के दावेदार रहनुमाओं की रविश बरकरार। कप्तान ऐवान से बेजार। हमजा शहबाज का सिर्फ 1 बार दीदार। फजलुर रहमान की 45 दिनों में सिर्फ 5 हाजिरियां। शेख आफताब की हर इजलास में शिरकत। फाटा की 7 एजेंसियों के नौजवानों की ISPR आमद। पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। जिरगे का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का भी दौरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट से मुलाकात।
کراچی کے علاقے انچولی میں تین منزلہ خطرناک عمارت گرانے کا کام جاری، شہر قائد میں 353 مخدوش عمارتیں انتہائی خطرناک قرار۔ جو بھی مخدوش عمارتیں ہیں روز ہم دیکھتے ہیں انہیں، ان میں لوگ رہ رہے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ثانیہ تربت بھی موت کی وادی میں جانے سے روک نہ سکا، مزید تین نوجوان بارڈر پار کرتے ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے جان بحق، تعلق میرپور آزاد کشمیر سے تھا۔ رشتہ نہ ملنے کا جھگڑا، لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں فائرنگ، لڑکی جان بحق، ملزم فرار۔ گھریلو جھگڑے کا المناک انجام، فیصل آباد کے قریب سائیں والا میں ماں نے بیٹے کو زمین پر پٹک دیا، کمسن جان بحق، ملزمہ فرار۔ کسانوں کے لیے خوشخبری، مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس میں بڑا فیصلہ، ای سی سی کو 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت، ملک کو 45 کروڑ ڈالر زر مبادلہ ملنے کا امکان۔ کی 56 کمپنیوں میں 80 ارب روپے کی مبینہ بے ضابطگیاں، کئی افسران خزانے سے دو دو تنخواہیں لیتے رہے، آڈیٹر جنرل کا انکشاف، صاف پانی کمپنی اسکینڈل میں ملوث تمام ملزم گرفتار کریں گے، ڈی جی اینٹی کرپشن کا بڑا اعلان۔ مصر کے شورش زدہ علاقے صحرائے سینا کی مسجد میں دھماکہ اور فائرنگ، 235 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ لندن کے آکسفورڈ سب وے اسٹیشن میں فائرنگ، عمارت خالی کرا لی گئی۔ چینی کو یوز ہی نہیں کرتے، صرف گڑ اور سونف اور الائچی۔ سردی بھگائے گڑ والی چائے، اسلام آباد میں مارگلا کی پرفضا وادی میں ٹریکنگ کے بعد چسکی، دن ڈھلتے ہی نوجوانوں کا رش۔ اور اب ہوگا ایکشن، فیض آباد خالی کرانے کے لیے آپریشن کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ آپریشن آج صبح کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ضلعی انتظامیہ نے مظاہرین کا محاصرہ مزید سخت کرتے ہوئے رابطہ سڑکیں اور گلیاں بند کرا دی ہیں، دارالحکومت میں سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اگر رات گئے حکومت نے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہ کی تو آپریشن ہفتے کی صبح ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ دھرنے والوں کو حکومت کی جانب سے فیض آباد خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، وہ ڈیڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے، ایسے میں ضلعی انتظامیہ نے مظاہرین کا محاصرہ مزید سخت کر دیا ہے۔ جی ہاں، پتہ چلا ہے کہ جب آپریشن ہوگا تو اس میں آنسو گیس اور واٹر کینن استعمال کی جائے گی، گولی نہیں چلے گی۔ اسلام آباد پنجاب پولیس، ایف سی اور رینجرز اس آپریشن میں حصہ لیں گے اور تمام نفری اسلحے کے بغیر ہوگی۔ دھرنے کے شرکا کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ رات کو فیصلے میں تبدیلی نہ ہوئی تو صبح کے وقت آپریشن کیا جائے گا۔ فیض آباد دھرنا، ضلع انتظامیہ کی تیسری اور آخری ڈیڈ لائن ختم، آپریشن کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ وزارت داخلہ نے انتظامیہ اور پولیس کو گرین سگنل دے دیا، دھرنے کے شرکا کو منتشر کرنے کے لیے تیاریاں مکمل، رابطہ سڑکیں اور گلیاں بند، شہر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آپریشن میں پولیس، ایف سی اور رینجرز کے 8,500 اہلکار حصہ لیں گے، دوران آپریشن آتشی اسلحے کے بجائے شیلنگ اور واٹر کینن استعمال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ضلع انتظامیہ نے 2 ہفتے سے جاری دھرنے کے شرکا کو رات 12 بجے تک فیض آباد خالی کرنے کی لاسٹ وارننگ دی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کاؤنسل قبلہ ایاز نے اپیل کی کہ دھرنا شرکا ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں شہریوں کو تکلیف نہ ہو، پارلیمنٹ میں تمام سیاسی اور دینی جماعتوں نے معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر دیا، اب دھرنے کا کوئی جواز نہیں۔
धरने के बाइस फैजाबाद में बस टर्मिनल्स और तजारती मराकज 20 रोज से बंद हैं। राबता सड़कें ब्लॉक होने से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। धरने के मुकाम पर क्या सूरत हाल है ये मालूम करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अदनान मुख्तार से। अदनान, मुजाहिरीन आपको टस से मस होते दिखाई दे रहे हैं, कोई इनके कानों पर जूं रींगी? देखिए बिल्कुल मुजाहिरीन जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, और इस वक्त जो धरने की अगर सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ के करीबी जितनी भी बिजली है उसको मुनकता किया गया है, और जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसकी भी केबल जो है वो काट दी गई हैं। आपको बताएं कि अगर आज का सूरज जिस वक्त तलू होगा तो उस वक्त 20 दिन हो जाएंगे इस धरने को फैजाबाद इंटरचेंज बंद हुए हुए, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी बल्कि चारों सुबह से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक का ये जंक्शन है और पीरियुदाई जो अड्डा है, इसके अलावा फैजाबाद अड्डा ये बंद है, मेट्रो सर्विस बंद है, तमाम तर जो निज़ाम ज़िंदगी है इसके आसपास बंद है। गो के आज दिन भर से ये अफवाहें थी कि ऑपरेशन अभी शुरू होगा अभी शुरू होगा, जिसके पेश नज़र यहाँ पे हमने देखा कि धरने के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास डंडे हैं और इसके अलावा दीगर जितना भी उनके दिफाई सामान उनके पास मौजूद है, असला है जिस तरह भी वो उसके साथ अलर्ट हमें यहाँ पे नजर आए। डेडलाइन दी गई थी बारह बजे की, वो डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन इस दौरान जब डेडलाइन खत्म हुई आस पास या इस वक्त आपको कोई ऐसा अमल दिखाई दे रहा है कि आखिरी कोशिश की जाए मुजाकराती अमल की, प्यार से मोहब्बत से बातचीत से समझाया जाए कि देखें हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और अब जो है वो इंतजामिया की डेडलाइन भी खत्म हो गई है तो आप ये जगह छोड़ दें, खाली कर दें और ऐसे मकाम पे चले जाएं जहां पर जाने के बाद शहरियों को कम से कम तकलीफ ना हो? देखिए बिल्कुल इसमें सबसे पहला अमल तो हमने यहाँ पे ये देखा कि बिजली मुनकता कर दी गई है, पुलिस रेंजर्स और जो एफसी हैं जिन्होंने 3 एसआर बनाए हुए सिक्योरिटी के उनको भी हाई अलर्ट किया गया है, और आसपास के जितने भी मदरसे थे हॉस्टल्स थे होटल्स थे उनको यहाँ से खाली करा लिया गया। सप्लाई लाइन चूँकि आज दिन से काटी गई है और जो भी गाड़ी इस तरफ आ रही है अगर कोई खाना पीना लेके तो उसको बंद किया जा रहा है। थानों में पिंडी पुलिस है, इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी हाई अलर्ट है, और आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि पेशकदमी की जा रही है, जो मुजाहिरीन है उनके अब बिल्कुल करीब तर उनको जो कंटेनर्स हैं वो भी लगाए गए हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी की बारी नफरी उनको चारों तरफ से मुहासरा किए हुए हैं कि जैसे ही उन्हें फाइनल सिग्नल मिलेगा अपने अफसरान की तरफ से आला हुकाम की तरफ से तो सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। अदनान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर बात कर लेते हैं कमरुल मुनव्वर से भी। कमर बताइएगा क्या एक्टिविटीज